किश्तवाड़ में ग्रामीण युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत दी जा रही ट्रेनिंग जहां उनके भविष्य के लिए कारगर साबित हो रही है, वहीं युवाओं में ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट के विरुद्ध गहरा रोष है। युवाओं का कहना है कि प्रवेश के समय हमारे संस्थान के प्रबंधन द्वारा हमें प्रशिक्षण, नौकरी प्लेसमेंट और मासिक छात्रवृत्ति 3500 रुपए तक प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि हमारा बैच नवंबर के महीने से शुरू हुआ है, लेकिन हमें आज तक कोई भी स्टिफन नहीं मिला। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार हमें अपनी आजीविका कमाने के लिए बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करती है, लेकिन तथाकथित संस्थान सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। सुहेल है, तो सर हमने प्रोटेस्ट यहाँ पे, मतलब जो ये सेंटर है हमारा हमारा ही है, अपना ही है, लेकिन इन्होंने सर, हम यहाँ पे आए थे नवंबर में, हमने यहाँ पे एडमिशन की थी, ये कहने लगे थे उस वक्त, इन्होंने हमारे सर बहुत वादे किए, कहने लगे आपको यहाँ पे बहुत सी फैसिलिटी मिलेगी, आपको टैब मिलेगा, आपको बहुत कुछ देंगे पढ़ाने के लिए, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाएगा आपको, मतलब और ऊपर से कहा इन्होंने कि आपको गवर्नमेंट वहाँ से, मतलब आपको 3500 एक महीने की देगी यहाँ पे आने के लिए। तो सर मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, बाकी जितने रिश्तेदार थे यहाँ पे जमा किया, बच्चों को जो भी आई, मतलब हमारी जो घर में बैठे थे बेकार लोग थे पढ़ने, मतलब 10th पास करके 12th पास करके, वो यहाँ पे आए और उन्होंने मतलब यहाँ पे एडमिशन की। तो उन्होंने इन्होंने मतलब उस वक्त हमें कहा कि आपको 3500 देंगे हम पर मंथ, मतलब गवर्नमेंट आपको देगी, आपका अकाउंट यहाँ पे बनाया जाएगा, जो यहाँ पे बैंक है वहीं हमारा अकाउंट भी है। तो सर हमें अब कम से कम 4 महीने यहाँ पे हुए, तो आज हमारा अकाउंट भी मतलब रेडी हुआ है, सब कुछ मतलब बन चुका है, अकाउंट भी बना दिया इन्होंने। तो आज सर हमारा 4 महीने से कोई पैसा आया आपके अकाउंट में? 4 महीने से परसों ही, मतलब 1-2 हफ्ते पहले हमारा अकाउंट बना, तो उसमें इन्होंने 2000 रुपये डाले। तो जब हमारा अकाउंट बन रहा था यहाँ पे, उस वक्त भी इन्होंने हमसे 100 रुपया लिया, तकरीबन 150 बच्चों का वो जमा किया इन्होंने 100 रुपया, कहने लगे कि आपका अकाउंट बन रहा है तो ये 100 रुपया जो है ये उसमें डाला जाएगा, लेकिन वो जमा नहीं किया, ये भी मेरे फ्रेंड हैं। तो जब इन्होंने मतलब, हमने ग्रामीण वालों से पूछा, वहाँ पे एक भैया थे, मैंने उनसे पूछा जो वहाँ पे मतलब काम करते हैं, मतलब वहीं हैं एम्प्लॉय हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आपको 100 रुपया दिया है इन्होंने जो हमसे लिया गया है? वो कहने लगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया हमें, तो आप उनसे पूछो वो 100 रुपया कहाँ डाला। तो वो छोड़ो, हमने 100 रुपया दे दिया इनको, रख लो 100 रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर से जो हमारे साथ आप वादे कर रहे थे कि 3500 आपको अकाउंट में डाले जाएंगे, कल परसों हमारा 3 महीना कंप्लीट हो गए, नवंबर से यहाँ पे चल रहा है ये सिस्टम, तो 3 महीने कंप्लीट हुए हमारे यहाँ पे, परसों हमें 2000 डाले। जब हम वहाँ पे ग्रामीण बैंक में गए, सारे मतलब 18 एज से कम ही हैं, कुछ बच्चे हैं जो 18 से ऊपर हैं, तो उनको मतलब ये बच्चे समझ के इग्नोर करने लगे हमें, मतलब कहने लगे कि आपको पैसे मिल जाएंगे। तो बाद में इन्होंने मतलब 2000 जब डाले, हम जब बैंक में गए पैसे निकालने, तो वो कहने लगे कि आपको 1500 रुपया मिलेगा, हमने मतलब वो बात भी छोड़ दिया। अब आप चाहते क्या हैं? तो सर हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, जो बाकी बच्चे हैं हमारे साथ, तकरीबन 30 बच्चे यहाँ पे थे, अभी आप देख सकते हैं ये सिस्टर है और मेरे भाई इधर, हम सिर्फ 3 बच्चे अभी यहाँ पे, जितने वो 30-40 बच्चे थे यहाँ पे, उन सबको इन्होंने मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ से उनको अपने साथ ले गए अंदर, और मतलब वहाँ पे बंद करके रखा, और उनको आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमारी इज्जत करते हो तो यहाँ पे रहो, अगर नहीं करते हो तो फिर जाओ। और बच्चे क्या करें, वो मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, हम भी रेस्पेक्ट करते हैं इनकी, वो हमें पता है हमारे दिल में। आपकी क्या मांग है डीसी किश्तवाड़ और एसएसपी किश्तवाड़ से? डीसी किश्तवाड़ और एसएसपी किश्तवाड़ से हमारी यही मांग है कि जो हमारे साथ यहाँ पे धोखा किया गया है, तो हम तो अब यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 1500 में रहना है, रो नहीं रहना है, यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ, बहुत ही मतलब घटिया लैंग्वेज इन्होंने यूज की। मैं एक्चुअली मनवासी हूँ, बट मैं यहीं रहती हूँ, मैं भी यहाँ पढ़ती थी, मतलब मेरे 11th के एग्जाम हो गए हैं, तो मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं यहीं पढ़ती हूँ। इन्होंने पता है कि ये गरीबों के लिए, इनको यहाँ पे मतलब जॉब मिल सकती है, अच्छा कुछ है सब यहाँ पे, लेकिन यहाँ उतना कुछ नहीं। हमें पहले सबसे पहले टेप तो दे दिए थे, उसके हम प्रेजेंट लगाते थे, लेकिन हमें टैब मिलते नहीं थे, वो भी खराब है। जो भी फैसिलिटीज यहाँ पे थी वो सब मतलब फेक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जो हमें बताए थे पैसे देंगे, वो तो हमें दिए नहीं, बाकी इस भैया ने बता दिया। मैं इतना ही बताऊंगी, इन्होंने लड़कियों को बाहर निकाला, ये कोई तरीका नहीं होता है, लड़कियाँ कहाँ जा सकती बीच रास्ते में, मतलब घर वाले हमें भरोसे से बेचते हैं, सुबह बेचते हैं, शाम को आते हैं, घर पे भी हम बेसी खाते हैं, कितना कुछ हम सुनते हैं, रेंट पे है हम, हमारा रेंट भी होता है इधर गाड़ियों का इंतजाम नहीं किया है, और फिर हमें उकसाते हैं, बोलते हैं ये देंगे वो देंगे, हमारा सारा पैसा यहीं से जा रहा है, वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं कहती हूँ यहाँ तो इंसाफ मिलना चाहिए या फिर बंद करवाना चाहिए, फैक हमें नहीं चाहिए, सीधी सी जो बात है। वहीं जब इस बारे में इंचार्ज इंस्टीट्यूट से बात की गई, तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा, लगभग 150 बच्चों को जो है ट्रेनिंग करा रहे हैं, कुछ बच्चों का जो एलिगेशन है कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनकी पेमेंटें दी गई, और आज उन्होंने रोड पे उतरकर प्रोटेस्ट किया, क्या कहेंगे इस बारे में? सर ऐसा कुछ नहीं है, इसका एक प्रोसीजर है, जो भी पैसों का इशू है, एक प्रोसीजर होता है कि उनकी पूरी अटेंडेंस वगैरह सब चेक होती है, वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ होता है, और उनको पैसा आता है जी। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट 110 to 25 को पैसा आया हुआ है।
जिनको पैसा आ चुका है वो आराम से बैठे हुए हैं, जिनको भी नहीं आया उनका इशू है, चार पाँच दिन से हम उनको समझा रहे हैं। अब एक दो बच्चे उसका थोड़ा ज़्यादा इशू बना रहे हैं कि हमें पैसा क्यों नहीं आया, और जो इशू बना रहे हैं उनको पैसा आया हुआ है, तो बात वो है। सर उन्होंने बताया कि जब आप लोगों ने उनका अकाउंट ओपन, जी मैम वो हमारा पैसा अभी जमा है, वो हमने कहीं रखा नहीं है, उसमें भी पूरे 150 बच्चों ने पैसा नहीं दिया है। सर पर जिन बच्चों ने दिया उनकी क्या गलती है? उनका ये जो पैसा आपके पास आया ये किस अकाउंट में जमा है, कौन सा अकाउंट है वो? ये सर हमारा अपना जो क्या बोलते हैं सर, सर के पास है अकाउंट में जमा नहीं। कौन सर है? हमारे सर जो हेड सर है उनके पास जमा है वो पैसा। किस पोस्ट में हो? वो स्टेट है सर। जी तो सर वो उनके पास पैसा रखने का क्या मतलब है? मतलब जैसे हमें पूरा 150 बच्चों का पैसा आएगा, उसके बाद हम उनके अकाउंट में जमा करेंगे। सर आपने कहीं पे ये डिटेल रखी हुई है किस स्टूडेंट ने आपको पैसा दिया, कहीं पे? वो बच्चों के पास हर जो भी हमारा सीआर है उनके पास वो डिटेल पड़ी हुई है किस किस बच्चे ने क्या क्या पैसा दिया, कितना दिया। तो आपने आप ऑफिस में यहाँ पे आपका नाम बार बार आ रहा है कि वो पैसा आपको दिया गया है, तो आपने कहीं पे वो जो पैसा पकड़ा हुआ है टीचर्स से, जो स्टाफ है यहाँ का उस स्टाफ से पकड़ा हुआ है, तो वो आपको अपने पास डिटेल रखी हुई है? दूसरी बात यह है सर कि आपके इधर जो सेंटर चल रहा है इसमें जो है इन्होंने हॉस्टल प्रोवाइड किया है बच्चों को? हॉस्टल प्रोवाइड नहीं है सर, अब जो बच्चे हैं उनको हम पैसे मतलब बोल रहे हैं जो दूर के बच्चे हैं उनको हमने रूम से अवेलेबल करवाए हैं। हाँ। तो वो जो रूम का रेंट वगैरह है वो कौन दे रहा है? बच्चे का 100 हमने उनको पहले बात हुई है बच्चों से कि जिनके दिन का 125 रुपया आता है वो हमें वो पेड करेंगे, हम उनको रूम से अवेलेबल कराएंगे और उसमें उनका खाना पीने का भी। बहुत सारी लड़कियां भी है सर, क्या उनके लिए कोई वार्डन है? क्योंकि लड़की का मसला है और एक लड़के 20 लड़कियां जो है वो आप हॉस्टल में रख रहे हो? नहीं सर हॉस्टल नहीं है, रूम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ऐसा है फिर फायदा क्या है उन बच्चों को? फायदा ये है कि वो 125 रुपए में यहाँ पे बैठ के आराम से जो दूर के बच्चे हैं। मसला प्राइवेट का नहीं, मसला लड़की की सिक्योरिटी का सर। जी सर सिक्योरिटी का मसला है। वार्डन क्या, वार्डन रात को उनके साथ रहती है? जी सर वार्डन, वार्डन काम की वार्डन यही की है, लोकली है, हीडा की है, मेरी भाभी है वही रहती है। तो वो रात भर उनके साथ ही रहती है, अपने घर नहीं जाती है? जी मैम। अब तभी तो काम पड़ेगा तो तब तो घर जाएंगे, वो तो जाहिर सी बात है, बट ऐसे तो रहते हैं कंटिन्यू रहते हैं। तो जो ये रात को यहाँ पे लड़कियाँ रहती है दूर 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 दराज रह के, तो आपकी इनकी फैमिली के साथ कोई बात हुई है? तो आपकी आपने उनकी फैमिली को फुल एश्योरेंस दी है उनकी सेफ्टी का? फुल इंश्योरेंस है, पूरा है, उनके फैमिली वाले खुद आके इनको पहुँचा के गए हैं, हमने किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं लाया, और कोई अपने बच्चों को ऐसे बेकार तो बैठने नहीं देगा, वो भी आए हैं, उन्होंने देखा है, उनका इंश्योरेंस मिला तभी जाके तो उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर रखा है हमारे घरों से। तो सर ऐसा क्यों हुआ कि आज स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा? आप ऐसे क्या आपके पास ये प्रोटेस्ट पहले भी मसलों को लेके आए हुए थे? ये पहले 3-4 दिन से आ रहे हैं बच्चे मेरे पास, और अगर आपने 3-4 दिन में ये हल कर दिया तो आज इतना बड़ा मसला नहीं? मेरे तक हल करना नहीं आता है, जिनके पास ये सब चीजें जाती है उनको हमने उनके नाम दिए हुए हैं कि किन बच्चों को नहीं आया, और जैसे वो अपना प्रोसेस कम्प्लीट करेंगे उसके बाद वो हो जाएगा। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।